हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न फोर्थ स्टैंडर्ड इंग्लिश लेसन नंबर 16, दैट इज नो फॉर्मेलिटीज प्लीज पार्ट वन। स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी डाइजेस्ट क्वेश्चन आंसर, वर्क बुक का क्वेश्चन आंसर जो आपके हैं, जितने भी हैं वो सब हम इस लेसन में देखने वाले हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं। पहले देखिए टफ वर्ड्स के मीनिंग दिए गए हैं जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। वेयर ऑल ईयर्स मीन्स वे आर वेटिंग ईगरली टू हियर वॉट समबडी टू हैड टू से, किसी ने क्या कहा था उसे बहुत ही ध्यान से सुनना, ईगरली उत्सुक होके। डिस्प्लेड मीन्स अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स अरेंज वेयर पीपल कैन सी देम, ठीक है, डिस्प्ले करना किसी चीज़ को, कलेक्शन होता है कई सारी चीज़ों के वो। इशू मीन्स कि किसी को द एक्ट गिविंग ऑफ गिविंग समवन समथिंग ऑफिशियली, किसी को कुछ देना ऑफिशियली। फैसिलिटी मतलब सुविधा, ठीक है, पर्टिकुलर किसी को सर्विस देना पर्टिकुलर पर्पस के लिए। फॉर्मल का मतलब क्या होता है, ऑफ लैंग्वेज यूज फॉर सीरियस और ऑफिशियल मैटर्स। हम फटाफट क्वेश्चन आंसर इसके देखते हैं, इसके टफ वर्ड्स की मीनिंग देख सकते हो आप, इंपॉर्टेंट है लेसन समझने के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए पैसेज दिया गया है, पैसेज रिलेटेड क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। क्लियर है, एकदम अच्छे से दिख रहा है, वीडियो पॉज कर करके वर्कबुक कंप्लीट करते जाइए। Write the answers to the following questions. What were the children going to learn that day? The children were going to learn letter writing that day. Letter writing वो लोग सीखने जा रहे थे। In which language would the children write a letter? कौन सी language में write किया letter को? Letter in English. पूरा लिखना है, ठीक है, क्योंकि पूरा sentence में आपको answer लिखना है। Name the different kinds of books that had arrived in the library. Story books, informative books, books of puzzles, jokes, etc. had arrived in the library. Library में ये सारी books आ गई थी। What did Mrs. Desai decide to ask the principal? क्या decide किया उन्होंने Miss Principal से पूछने का? So उन्होंने decide किया principal to allow a home issue facility for class 4th. Okay, filling the blanks से भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला जो वन है ना, ये हम यहाँ पे लिखेंगे वन। देयर वॉज ओनली वन लाइब्रेरी पीरियड इन अ वीक। द लाइब्रेरी पीरियड वॉज ऑन एवरी थर्सडे, यहाँ पे क्या आएगा थर्सडे। द लाइब्रेरी पीरियड लास्टेड फॉर हार्डली हाफ, यहाँ पे क्या आएगा हाफ एन आवर। द न्यू अराइवल्स हैव बीन डिस्प्लेड इन द लाइब्रेरी, यहाँ पे क्या आएगा लाइब्रेरी, ठीक है, सारे देख लिए हमने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, खुद से आपको फ्रेजेस फॉलोइंग फ्रेजेस का आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। देखो ये जो दिया गया है ना, ये फ्रेज इसका आपको सेंटेंस बनाना है। देखो कैसे बनाया, बी ऑल कार्स ईयर्स, बी ऑल ईयर्स, ये ई है, हमने ऊपर में देखा था ना, ये इसकी स्पेलिंग है, ये देखो ईयर्स ये रहा था ये वाला, ये ई है। देखो कैसे इसे फ्रेज इस फ्रेज को कैसे सेंटेंस में बनाया गया है, द स्टूडेंट्स वर ऑल ईयर्स आ गया। व्हेन द प्रिंसिपल बिगेन टॉकिंग लुक आफ्टर रीता डिसाइडेड दैट शी वुड लुक आफ्टर द पपी हरसेल्फ, खुद वो ध्यान देगी उसका। राइट वर्ड्स एंडिंग इन ई आर और ओ आर फॉर द फॉलोइंग, टीच टीचर, लर्न लर्नर, distribute distributor, joke joker। write the simple past tense, past tense हाँ, तो देखो यहाँ भी teach taught simple हो गया, teach यानी पढ़ाना, taught मतलब पढ़ाया, take मतलब लेना, took मतलब लिया, bring मतलब लाना, brought मतलब लाया, write means लिखना, wrote means लिखा, know means जानता, जानता है या जानना, knew मतलब जानता था, ठीक है, जानती थी। सीट तो सेट, सेट मतलब बैठा, सीट मतलब बैठना, सेट मतलब बैठा। ये देखिए दूसरा पैसेज दिया गया है यहाँ पे, अब उसका क्वेश्चन देखते हैं। मिसेस देसाई हैज़ प्लान टू टीच द चिल्ड्रन हाउ टू राइट पोलाइट लेटर्स, पोलाइट लेटर्स कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे देखो पोलाइट फॉर्मल, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा फॉर्मल, ओके, यहाँ पे क्या आएगा फॉर्मल, ये वाला जो है ना वो यहाँ पे आएगा, लिखेंगे। स्टूडेंट्स देमसेल्फ वुड राइट अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, यहाँ पे क्या आएगा रिक्वेस्ट टू द प्रिंसिपल। थर्ड इन अ फॉर्मल लेटर द सेंडर्स एड्रेस एंड डेट
आर रिटन इन द अपर राइट, यहाँ पे क्या आएगा राइट कॉर्नर ऑफ द पेज। देखो थर्ड लिखा है ना, तो थर्ड का आंसर है। फोर्थ लिखा है यहाँ पे फोर्थ है, तो यहाँ पे ये जो फिलिंग जगह है ना उसको फिलअप करना है सब्जेक्ट से। ठीक है, यहाँ पे सबका आंसर हो गया। राइट द इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेंडली लेटर एंड अ फॉर्मल लेटर। फ्रेंडली लेटर कैसा होता है, रिसीवर्स एड्रेस पोस्ट नॉट मेंशन, यानी जो रिसीवर का एड्रेस होता है या पोस्ट होता है वो नहीं लिखा जाता है फ्रेंडली लेटर्स में। फॉर्मल लेटर में ये लिखा जाता है, उसका एड्रेस पोस्ट मेंशन होता है, सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता है। क्या सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है, जबकि फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट मेंशन होता है। बिगिनिंग कैसे स्टार्ट करते हैं, माय डियर सन, डियर डैडी एट्सेट्रा, डियर फ्रेंड, ऐसे ना हाय करके वो भी लिख सकते हैं, लेकिन बिगिनिंग कैसे होगा, डियर सर, डियर मैडम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, ऐसे। एंडिंग कैसे होगा, योर्स लविंगली, योर्स अफेक्शनेटली एट्सेट्रा, लेकिन इसमें कैसे ख़त्म करेंगे, लास्ट में क्या लिखेंगे, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इनफॉर्मल लैंग्वेज रहता है, लेकिन इसमें पोलाइट फॉर्मल लैंग्वेज रहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम किसी पोस्ट पे जैसे प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, किसी ऑफिसर को लिख रहे हैं, ठीक है, किसी अपने हम लीडर को लिख रहे हैं, ऐसा जिसे हम पहचानते नहीं, जैसे हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, तो उन वो कैसे हैं, उनके लिए हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। राइट द सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म्स द फॉलोइंग वर्ब्स, तो देखो प्लान, प्लांट, सजेस्ट यानी सजेस्ट करना, सजेस्ट सलाह देना, सजेस्ट यानी सलाह दिया, एक्सप्लेन मतलब एक्सप्लेन किया, बताया, एक्सप्लेन मतलब किया, ठीक है, एक्सप्लेन मतलब एक्सप्लेन करना, से सेड, ये देखो ये सब पास्ट में है, सब पास्ट में है ये सब, ठीक है, यानी ये सब पास्ट में है। आपको क्या बोला है, सिंपल पास्ट टेंस में बनाना है जो वर्ड्स दिए गए हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है, देख लेते हैं इसका भी। फिलिंग द मिसिंग आइटम्स इन द फॉलोइंग लेटर रिटन ऑन 11th September 2014 बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ मॉडर्न इंग्लिश हाई स्कूल MG रोड पुणे टू देयर प्रिंसिपल आस्किंग परमिशन फॉर अ वन डे विजिट टू अ नियर बाय फैक्ट्री। कैसे लेटर लिखना है, देखो लेटर देख सकते हो यहाँ पे, प्रिंसिपल को लिखना है ना, तो ये फॉर्मल है। ओके, तो यहाँ पे देखो 11th September 2014 ये लिखा गया है, ये पूरा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है क्या मिसिंग है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ चीज़ें मिसिंग है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे हम उसका आंसर लिखेंगे पूरा। तो पहले तो क्या लिखेंगे, पूरा स्कूल का नाम, पूरा अच्छे से उसका एड्रेस वड्रेस, फिर प्रिंसिपल का भी नाम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद परमिशन, सब्जेक्ट क्या है वो परमिशन, डियर सर या रिस्पेक्टेड सर, फिर यहाँ पे पूरा लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे योर्स फेथफुली स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, अभी लेटर हम कैसे लिखते हैं, अभी हम सब एक साइड ही लिखते हैं, यहीं पे लिखते हैं सब, ये भी इधर ही आएगा, आपके टीचर्स आपको बताएंगे स्कूल में कैसे लिखना है, बट अभी ये वाला जो भी है ना पूरा, वो भी इधर ही लिखते हैं, तो देख सकते हैं आप सारी चीज़ें हम एक साइड में ही लिखते हैं, और फिर ये वाला जो है ना ये भी इधर ही लिखते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये पूरा हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, कोई डाउट रहे तो आप पूछ लेना। और देख लो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन था, क्या क्या मिसिंग था इसमें, ये क्वेश्चन है, हाँ ये जो है ना ये पूरा क्वेश्चन है इसका, ये क्वेश्चन है क्या क्या मिसिंग है। तो यहाँ पे देखो डेट तो दिया गया है, लेकिन ये चीज़ें नहीं दी गई हैं, ये भी नहीं दिया गया है, उसके बाद सब्जेक्ट भी नहीं दिया गया था, फिर डियर सर करके यहाँ पे देखो नहीं दिया गया ना यहाँ पे, या रिस्पेक्टेड सर कुछ भी नहीं लिखा है, और फिर ये लास्ट में योर फेथफुली आपका जो नाम आएगा वो भी नहीं लिखा है। तो हमने देख लिया यहाँ पे, आपको वो पूरा लिखना है, एक बार अच्छे से देख लो लेटर, आंसर इसका ये है आंसर। ठीक है, जो लेटर दिखा हुआ इसमें क्या क्या मिसिंग था, ये मिसिंग था, हमने सब्जेक्ट भी लिखा, नीचे सिंसियरली भी लिखा, ठीक है, नाम भी लिखना है जो वो भी लिखना, पूरा एड्रेस लिखा दोनों का, सेंडर रिसीवर का। ओके ओके, सो कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे।